नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। दिल्ली महरौली में आफताब की ओर से श्रद्धा के किए गए 35 टुकड़े अभी तक मिल भी नहीं पाए हैं। कैसे मामलों की बाढ़ सी आ गई है। कहीं से खबर आती है कि इमरान ने 70 टुकड़े करने की धमकी दी है। कहीं से ये खबर आती है कि सूटकेस में मिली लाश के पीछे उसका बॉयफ्रेंड अशफाक जिम्मेदार है। अब ऐसा ही एक मामला फिर केरल से सामने आया है। तस्वीर में सड़क पर पड़ा दिख रहा ये धारदार हथियार फारूक अपनी गर्लफ्रेंड का गला काटने के लिए लेकर आया था। उसने बीच सड़क पर अपनी दोस्त संध्या पर हमला भी किया, लेकिन गनीमत रही कि संध्या की जान बच गई और उसका सर तन से जुदा नहीं हो पाया। दरअसल संध्या केरल के कोच्चि में एक प्रवासी महिला है। वो मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और वो काम की तलाश में कोच्चि आई थी। संध्या एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। वहीं संध्या पर अटैक करने वाले हमलावर का नाम फारूक बताया जा रहा है, जो मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है। पुलिस का यह भी दावा है कि ये दोनों पहले से परिचित हैं और दोनों में गहरी दोस्ती है। फारूक को संध्या पर शक था कि वो किसी और के साथ रिश्ते में है, इसलिए उसने संध्या पर यह हमला किया। हालांकि संध्या के दोस्त ने उसे बचा लिया, जिसके बाद फारूक बाइक से मौका वारदात से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर फारूक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं घायल पीड़िता का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना शनिवार की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के दौरान पीड़िता कलूर इलाके में आजाद रोड पर अपने एक परिचित के साथ टहल रही थी। इस दौरान बाइक से आए फारूक ने पीड़िता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक हमले से पहले कुछ देर तक फारूक और संध्या में बहस हुई थी। बताया ये भी जा रहा है कि फारूक संध्या की गर्दन काटना चाह रहा था, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद एक तीसरे व्यक्ति ने बीच बचाव किया। इस बचाव में संध्या के दोस्त को भी हाथ में घाव हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घायल संध्या को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस के पीड़िता का बयान दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन काफी चोट लगने की वजह से ये संभव नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस ने प्रथम दृष्टया महिला के साथ मौजूद उसके दोस्त के बयान दर्ज कर लिए हैं और उसी आधार पर फारूक की तलाश शुरू कर दी है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज़। वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम।